बोलेंगे, 3 बार झूठ बोलेंगे, 4 बार झूठ बोलेंगे, 5 बार झूठ बोलेंगे, 100 बार आप झूठ बोल चुके हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो झूठ बोलते गए, हम सुनते गए, झूठ बोलते गए सुनते गए, जो लोग समझदार बनते गए, जो लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया इनको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो लोगों ने अपना रास्ता अलग से चुना, रास्ता अलग से चुनने के साथ बैक ऑफिस से जुड़े, बैक ऑफिस के साथ जुड़ने के साथ लगातार मिस्टर ऐश को सुनना शुरू किया, मिशन विजन को समझना शुरू किया, आज क्लैरिटी है, उन्हें सब कुछ पता है। और जो लोग अभी भी डिपेंडेंसी क्लॉज में है कि मुझे फलाने के पास जाना है, फलाने से सुनना है, फलाना ये मुझे बताएगा और फिर मैं उसको फॉलो करूंगा, तो वो अभी भी गड्ढे में, उनको पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है बेसिकली कि उनके हाथ क्या लग चुका है। तो ऑन पैसिव की जो प्रेजेंट स्टेज है हमारी, हम करंट सिनेरियो की अगर बात करें, ठीक है, मैं वीकली रिकैप की बात कर रहा था, वीकली रिकैप में बेसिकली मिस्टर ऐश वहां पर आए नहीं तो कई लोगों के सत्तू का घड़ा वहां पे फट गया, ठीक है, और उनकी असलियत सामने आ गई। और मिस्टर जब माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि चीफ गेस्ट, अगर एज अ चीफ गेस्ट माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं, और मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं तो कोई रीजन होगा, इजंट इट। मिस्टर ऐश ने वहां कन्वे भी किया था कि मैं चाहता था आना बेसिकली, लेकिन ही वाज बिजी इन सम मीटिंग, ठीक है, तो कुछ डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, वो ले रहे हैं बैक एंड पे। और 18 अप्रैल को उन्होंने कहा था स्केड्यूल्स रिलीज होंगे, तो स्केड्यूल्स रिलीज होंगे मतलब वो आपको प्रैक्टिकली दिखना जरूरी है क्या बैक एंड पे, एक प्रोडक्ट को रोल आउट करने का मतलब उसको फ्रंट एंड पे लेकर आने का, जहां पे फ्रंट एंड हमारा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है, वहां फ्रंट एंड पे लेने लाने से पहले, ठीक है, किसी कार को शोरूम में हम उसका डिस्प्ले करने से पहले, इनॉग्रेशन करने से पहले, किसी मूवी का मतलब थिएटर में रिलीज होने से पहले उसका प्रीमियर होता है, तो वो प्रीमियर बैक एंड पे चल रहा है, ठीक है, और उस प्रीमियर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं पार्टिसिपेट भी कर रहे हो बेसिकली, अभी तो हो हमारे प्रोफेशनल और टेक्निकल टीम्स के पास ही है, ठीक है, अभी फाउंडिंग मेंबर्स तक वो पहुंचा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चीजें बैक एंड पे होना जरूरी है ना, पहले वो तो सेटिस्फाई हो जाए, हम और आप क्या है, हमें आपको तो पता ही कुछ नहीं है, हमें तो ये बोलेंगे कि भैया कल ठीक हो जाएगा तो हम कल मान लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल्स है वो जानते हैं कि उसको ठीक करना पड़ेगा बैक एंड पे, तो वो सारी चीजें चल रही हैं बैक एंड पे, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, हमें यही दिखना, हमारी थाली में ही दिखना चाहिए, मतलब किचन में क्या बन रहा है उसकी सुगंध से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें तो हमारी थाली में दिखना चाहिए, और जब थाली में आ गया है तो मतलब अब हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे, अब इसका स्वाद भी हमें कोई दूसरा ही बताए, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बैक एंड पे तैयारियां हो रही हैं, इनफैक्ट बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हो रही हैं, और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, और फॉर दैट सेक किसी भी लीडर्स को नहीं है मालूम, क्योंकि कंपनी का अपना एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है, और कंपनी अपने कॉन्फिडेंशियल सिस्टम के साथ चलने वाली है, और उस कॉन्फिडेंशियल सिस्टम के साथ जब चीजें बिल्कुल दुरुस्त लगेंगी हम सभी के साथ शेयर कर दी जाएंगी। और ये अगर एक्सटेंशंस हो रही है ना, ये एक्सटेंशंस पहली बार देखेंगे आप, पहली ऐसी कंपनी होगी लाइफ में जो अपनी जेब से पैसा मतलब लगाकर एक्सटेंशन आपको ग्रांट कर रही है, अदरवाइज बहुत कुछ यहाँ पे मिस्टर ऐश चाहते हैं, अगर वो पैसे के पीछे दौड़ रहे होते और पैसा रोकना, पैसा कमाना उनका मकसद होता तो बहुत सारी एक्टिविटीज फन कमर्शियल यहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके होते। इनफैक्ट उनकी प्रोफेशनल्स की जो टीम है बैक एंड पे, वो उनको इतना तक कह रही है कि भाई आपने ये मल्टी-बिलियन-डॉलर बेबीज क्यों रोक के रखे हैं, क्यों आप इसको प्रोडक्शन में नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों आप इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हम मैनेज कर लेंगे ऑन द वे। मिस्टर ऐश ने कहा नथिंग डूइंग, ये मेरे उन फाउंडिंग मेंबर्स का पैसा कंपनी ने रोक कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जो पिछले 4 साल से 5 साल से चाहे किसी भी भावना से, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, जुड़े पड़े हैं मेरे साथ, तो इनके पैसे को मैं किसी को होल्ड करके नहीं रखने दूंगा, ठीक है, और जिन्होंने करके रखा है उनको लीगली मैं सबक सिखाऊंगा, ठीक है, और जो कंपनसेशन उसके ऊपर बनेगा वो भी लूंगा, और इनको प्रॉपर तरीके से मैं कंपनसेट करूंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कौन सोचता है आज की डेट में इतना, तो पैसा बनाना यहाँ पे ये चुटकियों का काम है, पैसा ऐसे आएगा भाग के आपके पीछे, वो जो कैटमो का कैट तैयार हो रहा है ना वो भी तैयार हो चुका है, आप समझ लीजिए, आपके डोमेन नेम, पेमेंट प्रोसेसर, बोनसेस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपके कार्ड कूड लेना देना, आगड़म बगड़म जो आपके मन में चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है, एआई के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, अगला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रेवोल्यूशनरी होने वाला है, उसका यूटिलाइजेशन हमारे लिए क्या होने वाला है, उसको हम कैसे सीखेंगे, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने के बाद उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन रहने वाला है, ठीक है, हम अगले फेज में और क्या क्या मतलब करने वाले हैं, दैट इज माई क्यूरियसिटी। वो तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मिशन विजन के साथ यहाँ पे जुड़े, जुड़े सब पैसे के लिए, पैसा मुझे भी चाहिए, मैंने मैं हम कभी ये नहीं कहते कि हमें पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन पैसा चाहिए जायज तरीके से,
जायज तरीके से, कानूनन तरीके से, ताकि जब मेरे पास पैसा आए तो कोई ये ना कह पाए कि नंबर दो का पैसा है, हवाला का पैसा है, ये गलत माध्यम से आया पैसा है। तो आज तक इस धरातल पे ऐसा कोई कंपनी नहीं हुई है जिसने जो चाहती है कि वो अपनी कमाई में से शेयर देगी, अपनी कमाई में से लोगों के बीच में पैसा बांटेगी। नहीं ऐसी कोई कंपनी हुई है, नहीं वैसा कोई सिस्टम आया है, इसीलिए कोई सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है उसको स्क्रैच से अगर डेवलप करना पड़े तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना वक्त लगेगा। मिस्टर ऐश किस लेवल पर गवर्नमेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ, इनके साथ इन्वॉल्व है, आप इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वी हैव नॉक्ड ऑल द डोर्स, वी आर प्रिपेयरिंग, हम सारी पूरी पूरी तैयारियां कर रहे हैं हम, ठीक है। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन जो लोग अभी नेगेटिव तरीके से कमेंट कर रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है, वो लोग शीशे में अपना मुंह भी खुद से नहीं देख पाएंगे। उनको अपना मतलब शीशे में अपना अपना शक्ल देखते, अपना मुंह देखते हुए भी वो खुद से घृण होने वाली है, क्योंकि वो गलत कृत्य में लिप्त हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि आप सब चीजों को समझिए, लेकिन आपको कोई चीज अगर एज अ ब्लेसिंग मिल गई है, ठीक है, आप उसको सहेज के रखिए, संभाल के रखिए, आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू ही जनरेट होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर आपने कुछ कुछ डॉलर्स यहाँ पे लगा भी दिए जिसको आप इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हो, उससे बहुत ज्यादा कुछ मिस्टर ऐश ऑलरेडी दे चुके हैं 7 महीने से, तो ओकनेक्ट हमें दिया है, ठीक है, यूटिलाइज कीजिए ना। किसने कहा कि आप ये ओकनेक्ट सिर्फ ओकनेक्ट की मीटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई और काम करते हैं, उसके लिए अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो यूटिलाइज कीजिए ना, कमाइए ना। आपको 10,000 लोगों तक जुड़ने का प्लेटफॉर्म मिस्टर ऐश ने फ्री, मतलब लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, लगभग नहीं, इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है आपको, और उसको एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं। जुड़िए ना लोगों के साथ, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, कीजिए अपना जो व्यवसाय आप कर रहे हैं। बट आप करेंगे तब जब आपके पास कुछ होगा, आप तो डिपेंडेंट होकर बैठे हैं यहाँ पे, और जब नहीं होता है तो फिर कोसने के लिए आ जाते हैं। जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना नहीं आता, जो मिला है उसको यूज करना नहीं आता, मिला है जो उसको यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कमा नहीं पा रहे हैं। वो तो आप कल भी नहीं कर पाएंगे, आपके डोमेन नेम भी खुल जाएंगे, वहां पे डोमेन नेम पे जो स्मार्ट होगा, जो सीख रहा होगा, जिसको मालूम होगा, वो वहां पे अपना अलग से भी व्यवसाय कर रहा होगा, और आपको जो मिला है व्यवसाय आप उसी को नहीं संभाल पाएंगे। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट इज फॉर पीपल दोज, मतलब वो लोग बोलते हैं हम एंगेज हैं। एंगेज होने का मतलब है आप यहाँ के प्रोसेस को समझ रहे हैं, अगर कोई डिले हो रहा है तो उस डिले के पीछे के कारण को समझ रहे हैं, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। अपनी आईडी खोल लेना, अपना वॉलेट चेक कर लेना, कॉपी ट्यूबर्स के वो व्यूज देख लेना, फिर कहीं नेगेटिव अपनी सोच क्रिएट कर लेना। अगर आप ऑन पैसिव में रहकर कंफर्टेबल नहीं है, मिस्टर ऐश का कल का मैसेज क्या था, जूली मैम के माध्यम से वो मैसेज आया है, ठीक है, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम विद ऑन पैसिव, ही हिमसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, और हिमसेल्फ हरसेल्फ, अगर किसी को ऑन पैसिव में आके समस्या है तो वो खुद समस्या है भाई, उससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। ऑन पैसिव में आने के बाद भी अगर किसी को समस्या है, ऑन पैसिव के साथ समस्या है, या ऑन पैसिव से समस्या है, या ऑन पैसिव को लेकर समस्या है, तो वो खुद एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मिस्टर ऐश ने कहा है। और मिस्टर ऐश ने कभी नहीं कहा कि आप जो करते आ रहे हो उसको छोड़ छाड़ के आप इधर डिपेंडेंट होकर बैठ जाइए, ठीक है, मतलब आलती पालती मार कर बैठ जाइए और इंतजार कीजिए कि हम आपको जब देंगे तभी आप खाएंगे। क्या ऑन पैसिव जब नहीं था, आज से 5 साल 6 साल पहले जब ऑन पैसिव नहीं था तो आप कुछ नहीं करते थे क्या? फिर आपका घर कैसे चल रहा था, फिर आपके खर्चे कैसे चल रहे थे? या ऑन पैसिव की वजह से आपको कर्जे लेने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने कर्जे लेकर आईडी लगाई, तो बेवकूफी करी ना, किसने बोला आपको कर्जे लेकर आईडी लगाने के लिए भाई? इंतजार कर लेते ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, फिर भी तो आपको, आपने अपनी लालच में आईडी लगाई है, आपको ये बता दिया गया कि ये करोड़ों का बिजनेस है, ठीक है, आप कूद गए उसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने तो 50 50 100 100 आईडियां ले ली हैं, वेस्टलेस यूजलेस, और आप उनमें से एक को भी ग्रीन नहीं करा पा रहे हैं। क्यों ली भाई, किसने कहा आपको? लालच, तो लालची लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, बाकी किसी को कोई कष्ट नहीं है। जो ईमानदारी से, ईमानदारी के पैसे से, और मतलब अपने अंदर वो ग्रीड, मतलब अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, मेरी मेरी एक आईडी है ब्रदर की, अपने उसने समझा उसको, मैंने उसको भी मना किया था, ठीक है, इनफैक्ट मैंने तो गांव में अपने मना किया सबको कि मैं अकेला काफी हूँ, लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, 60 50 100 बेफालतू की आईडीज ले ली है। तो क्या जब वो आईडीज आपने ली थी तब आपको मालूम नहीं था कि इन सबकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी या ना, बेकार हो जाएगा? अब वो लोग चटपटा रहे हैं, उन लोगों को पैसे चाहिए ताकि जल्दी